कोटा में अपराधियों ने पुलिस की गश्त और साथी नाकाबंदी को एक बार फिर से ठेंगा दिखा दिया है। इसी कड़ी में कोटा के अनंतपुरा में शराब की बिक्री को लेकर बदमाशों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि गोबरिया बावड़ी इलाके में रहने वाले जीतू शराब ठेके का संचालन करता था और तभी शराब ब्लैक करने वाले 5 से 6 लोग वहां आ गए और जीतू के बेटे अजय पर चाकू से वार कर दिया। परिजनों का कहना है कि इलाके में लगातार शराब ब्लैक हो रही है। पुलिस को इस बारे में बहुत बार जानकारी दी गई लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बता दूं कि ये घटना कोटा की है। अवैध शराब की बिक्री को लेकर एक युवक की हत्या की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बदमाशों ने इस युवक को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। अनंतपुरा इलाके के गोबरिया बावड़ी चौराहे की ये घटना है। स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि बार बार पुलिस को इस समस्या से अवगत भी करवाया गया लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर कभी रोक नहीं लगाई। रात को संजय नाम का बच्चा है, इसकी हत्या हो गई थी और अजय बच्चे का नाम है अजय। ये गोलू बुधराज दीपक वगैरह ने की है कि कोई पुरानी रंजिश को लेकर इस तरह की बात थी। अभी उसका पोस्टमार्टम करवा रहा हूँ। इनके खिलाफ पहले भी मैंने रिपोर्ट दे रखी है। इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी थी। मैं मेरे बेटे को मार दिया इन्होंने। पुरानी रंजिश लेकर पहले ये दारू बेचते थे। मैंने मना करा भाई दुकान आ गई, हमारे दुकान आई है। इस चक्कर में इन्होंने सकरा का हम तो बेचे गए दारू की। देसो पाँच जने थे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।